फ्लो के अबाउट। ये एक कोल प्लो है जो बेल्ट कन्वेयर के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम जो है आज लोकली ऑपरेट करेंगे कि फील्ड में इसको हम जो है लोकली कैसे ऑपरेट करते हैं। इसको अप डाउन करेंगे और जो है आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि ये मैनुअली जो है इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो ये इसका कंट्रोल बॉक्स है, आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस अंदर जो है दो इंडिकेशंस आ रही हैं। एक इंडिकेशन जो है पावर की है, देख सकते हैं आप, और दूसरी इंडिकेशन जो है वो अप की आ रही है, ठीक है। और जो तीसरी इंडिकेशन है वो ऑफ है, वो डाउन की इंडिकेशन है। बेसिकली अप की इंडिकेशन इसलिए आ रही है क्योंकि अभी कोल प्लो जो है अप हुआ पड़ा है। देख सकते हैं आप, अभी जो है कोल प्लो अप है, इस वजह से इसकी इंडिकेशन जो है अप आ रही है, ठीक है। और इसमें दो पुश बटन लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, एक जो है अप का है, दूसरा डाउन का है, और एक हमारा सेलेक्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। इससे बेसिकली जो है हम लोकल और जो है हम रिमोट पे करते हैं। अभी जो है ये रिमोट पे सेलेक्ट है। रिमोट से मतलब ये होता है कि आप जो है जो कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम से जो है आप रिमोटली इसको अप डाउन करा सकते हैं, और लोकल पे ये होता है कि आप जो है फील्ड के अंदर जो है इसको मैनुअली करके या लोकली करके आप इसको जो है फील्ड में ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों फंक्शनैलिटी है, आप देख सकते हैं। अभी जो है ये देख सकते हैं, अभी ये रिमोट पे है, अभी हम करके देखते हैं। ये अप है, ये देखें, ये मैं डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो ये डाउन नहीं हो रहा, देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो है रिमोट पर है। अभी जो है हम इसको लोकल पे करेंगे, ठीक है, ये लोकल, ये देख सकते हैं, अभी जो है ये फुल डाउन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब इसको जो है अब देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेशंस भी आ गई हैं, यहाँ पे डाउन की इंडिकेशंस आ गई हैं और अप की इंडिकेशन जो है वो ऑफ हो गई, देख सकते हैं आप। अभी दोबारा हम आपको लाइव जो है करके दिखाएंगे, इसको अप करेंगे हम, ये देख सकते हैं, ये अभी अप हो गया, और यहाँ से भी इसकी इंडिकेशंस आ गई है कि ये फुल अप हो गया। तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही बेसिक है ये। तो बाकी इसके अलावा हम आपको इसकी इनर साइड दिखा देते हैं कि इसके जो अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन या डिवाइस या इसकी टर्मिनेशन कैसी होती है। आप देख सकते हैं, ये इसकी इनसाइड है, ऊपर ब्रेकर लगा हुआ है, नीचे कनेक्टर लगे हुए हैं, रिले लगे हुए हैं इसके अंदर, देख सकते हैं आप। ये ट्रांसमिशन रैक है नीचे, तो ये इसका सिंपल मैकेनिज़म है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये इनसाइड है, तो ये इसका शॉर्ट ओवरव्यू था। बेसिकली ये उनके लिए है जो फ्रिश ट्रेनी हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप जो है इस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।